आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका बहुत दिन अच्छा गुजर रहा हो, आप अमेजिंग फील कर रहे हो, लग रहा हो कि जी सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और एकदम से कोई ऐसी बात कर देता है जो कि आपका दिन खराब कर देता है, आपका मूड खराब कर देता है, आपको लगता है कि आप आसमान से ज़मीन पे गिर पड़े, दिल हैवी हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। आई एम श्योर कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है इस इवेंट की, आपका रिलेशनशिप क्या है उस बंदे के साथ, उस बंदे की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, या आप ये बात दिल पे कितनी जोर की लेके जाते हैं, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेट्स कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे इवेंट सबके साथ होते हैं, ठीक है। अब उसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको आप समझते कैसे हैं और आप रिएक्ट कैसे करते हैं, कमाल सारा यहाँ पे है। कई दफ़ा लोग ऐसी बातें सुन के सुनी अनसुनी कर देते हैं, या फिर कुछ लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हफ्तों के लिए सोचते रहते हैं, और कुछ लोग गुस्से में उस चीज़ पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लेते हैं कि कहने वाले की बात में कोई दम ही ना रहे। अब ये तीनों चीज़ें आप, ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं, इट डिपेंड्स आप क्या चूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप सुनी अनसुनी कर देते हैं ना, तो मे बी आपको इम्प्रूवमेंट का एलिमेंट मिस कर रहे हो। अगर आप वो बात दिल से लगा के हफ्ता उसके लिए परेशान है, तो ये आपको मेंटली बिल्कुल हैंडीकैप कर देगा। तीसरी चीज़, अगर आप गुस्से में उसको फिक्स कर लेते हैं कि अगले की बात में वैल्यू ना रहे, मेरा ख्याल है ये कमाल बातें करने की। अगर आप कोई कहता है कि जी आपने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, तो आप जिम जाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि सोच सोच के आप खाने पे फोकस करें, आप उसका उल्टा करना शुरू कर दें। कोई आपको ये कहते हैं कि जी आप तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, तो आप कामयाब हो के दिखाएं। गुस्से में आप जब भी अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट कितने रिमार्केबल होते हैं। दोनों चीज़ें, सुनी अनसुनी करना और उसके बारे में सोचते रहना, मजीद परेशान होना, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो मुझे नहीं पता कि आप इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन लेते हैं, बट मेरा ख्याल है कि आखिरी ऑप्शन अपने ऊपर काम करने वाली बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ प्लीज़, ये मशवरा उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा घरेलू मसलों में घिरे हुए हैं। ये मशवरा मैं आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दे रही हूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है जिसने आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बनाई हुई है विद द कॉमेंट्स, प्लीज़ उसका बेहतरीन हल सिर्फ ब्लॉक करना है। लेट मी नो योर थॉट्स, आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू वेरी मच।